काल ही पाए भयो भगवान सो जागत या जग जाकी कला है। काल ही पाए भयो ब्रह्मा शिव काल ही पाए भयो जुगिया है। काल ही पाए सुरासुर गंधर्व जच्छ भुजंग दिशा विदिशा है। और सुकाल सब बस काल के एक ही काल अकाल सदा है। और सुकाल सब बस काल के एक ही काल अकाल सदा है। सत्कार योग सत्संगी योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की कृपा से आप सभी की आशीष से हम भट्टों की वाणी पर विचार सांझे करते रहे हैं। इस क्रम में हमने अब तक 6 भट्टों की वाणियों पर विचार किया है। शेष 5 भट्ट भट्ट सल भट्ट भल भट्ट गयंद भट्ट मथुरा और भट्ट हरिवंश, इनके सवैयों पर विचार करना शेष है। आज एक और भट्ट भट्ट मथुरा, इनके एक सवैये पर संक्षिप्त रूप से विचार सांझे करेंगे। भट्टों की वाणी 1389 से 1409 अंगों पर विराजमान है। ये कुल 123 सवैये हैं और ये 5 गुरुओं की उपमा गायन के लिए रचे गए हैं। 5 गुरुओं में सबसे अधिक सवैये श्री गुरु रामदास जी की उपमा में गाए गए हैं। रामदास जी की उपमा में 60 सवैयों का गायन हुआ है। तीजी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी के लिए 22 सवैये। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के लिए 21 सवैये और गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी के उपमा में 10-10 सवैयों का गायन हुआ है। कुल 11 भट्टों ने 123 सवैये रचे हैं। आज हम भट्ट मथुरा के एक सवैये पर संक्षिप्त रूप से विचार सांझे करेंगे। सवैया है, जब लो नहीं भाग लीलार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ नहीं आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। श्री गुरु
अर्जुन देव जी महाराज जी की उपमा करते हुए भट्ट मथुरा इस सवैये में फरमा रहे हैं कि जब तक मेरे भाग्य की रेखाएं उदित नहीं हुई, भाग्योदय नहीं हुआ, कृपा नहीं हुई, तब तक मैं भ्रमता फिरता दौड़ता रहा। बहुत दौड़ लगाई और भ्रम में फंसा रहा। जब लौ नहीं भाग लीलार उदय, तब लौ भ्रमते फिरते बहुधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट हैं नहीं रे पछतायो। मथुरा जी कह रहे हैं कि कलयुग के घोर समुद्र में डूब रहा था, भवसागर में घोर अंधियार में मैं डूब रहा था और पछतावा कर रहा था कि कब मुझे गुरु के दर्शन होंगे, भाग्य का उदय कब होगा, ये सोच सोच पछतावा हो रहा था। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो। ये अंधेरा कब दूर होगा, डूबने से बचने के कौन से उपाय होंगे, यह सोचकर पछतावा हो रहा था। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। मथुरा जी कहते हैं तत्व सार तो यही है कि परमात्मा ने संसार को तारने के लिए अवतार के रूप में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को इस संसार में भेजा। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। फिर अंत में जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। फिर ईश्वर की कृपा हुई, गुरु अर्जन देव जी महाराज इस संसार में अवतार के रूप में आए और जिन्होंने भी इनके दर्शन किए, इनका स्मरण किया, इनको जपा है, इनकी अनुशंसा प्रशंसा यशोगान किया है, फिर वो मनुख 84 लाख जोनी से मुक्त हो गया है। फिर संकट जोनी गर्भ न आयो, इन योनियों से आवागमन से उसे मुक्ति प्राप्त हो गई है। जिसने भी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का जाप किया है, स्मरण किया है, उनका यशोगान किया है, उनका अनुसरण किया है, फिर उसे आवागमन से मुक्ति मिल गई है। सवैया एक बार फिर, जब लौ नहीं भाग लीलार उदय, तब लौ भ्रमते फिरते बहुधायो। कल घोर समुद्र में बूटत थे, कबहू मिट हैं नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। मथुरा जी अपने जीवन को ही सफल मानते हैं कि उन्हें श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दर्शन हुए।
उनका उन्होंने जाप किया, जिससे उनका जीवन सफल हो गया। इस प्रकार की संपूर्ण समर्पण की भावना मथुरा जी इस सवैये में प्रकट कर रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के सिख पंथ पर मनुख जाति पर उपकार अवर्णनीय है, इनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अपनी सेवाओं के साथ साथ अपने शरीर तक का बलिदान कर देना, ये संसार में एक अद्भुत घटना है। हुक्म को मानते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने इस शरीर को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, हुक्म को माना। इस बलिदान के साथ साथ सारे संसार को एक ऐसा ग्रंथ प्रदान किया जो कई हजार वर्षों तक मनुष्य जाति को उपदेशक के रूप में कार्य करता रहेगा। ऐसे महान गुरु के प्रति मथुरा जी की समर्पण की भावना न्यायोचित है। सत्संगियों, हमें अर्जन देव जी महाराज जी द्वारा प्रदान किए गए इस अमूल्य ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, समझने के लिए पढ़ना चाहिए, ताकि उस पर चलने की कोशिश हम कर सकें और अपना जीवन सफल करने का प्रयत्न कर सकें। इतने वचन दास के परवान करो, अनेक गलतियां हुई हैं, बार बार दास आप जी के चरणों में बेनती करता है कि दास को क्षमा करें। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।